हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आर डी क्लासेस। मेरा जो आज का लेक्चर हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता होगा ना कि हमारे अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट एक्जिस्ट करते हैं, उन सबका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन होता क्या है और उन क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे कैसे कहाँ एलिमेंट को रखें वो आपको दिखाता हूँ। क्या वो दिखाता है हम लोग का पीरियोडिक टेबल में। इसका हमने यूज़ किया मानूँ, इन्होंने बोला मानूँ क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, आपका जो टेबल है इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, दूसरा इनका यूज़ क्यों होता है और हम लोगों ने मॉडर्न ये टेबल ही क्यों बनाया। हम लोग तो और भी यूज़ करते हैं ना उसका, सिंपल भाषा में अगर समझो। अगर मैं बताऊँ आपको, ये बताओ कि मेरे पास एक लेबोरेटरी है, लैब में मतलब केमिकल का लैब है ना, केमिकल के लैब में समझो अगर मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट, आपको पता होगा हमारे अर्थ पर टोटल कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 118 एलिमेंट टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स के हमारे नेचुरली हमको ईजिली मिल जाते हैं, बाकी को हमको एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है। समझे क्या बोल रहा हूँ आपको, हमारे अर्थ में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट टोटल मिलते हैं हमारे अर्थ में, और ये हमारे क्या है नेचुरल 94। समझे, अब हमने आपको समझाने क्या था, मुझे समझाने ये था ना कि इन एलिमेंट्स में कुछ गैस ऐसे मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड, कुछ नोबल गैस है, बरूबर। ये सारे गैसेज में आपको समझना ये है कि इनका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। हमें क्लासिफिकेशन क्यों हमने किया आपको मैंने बताया ना, अगर समझो देखो एक लैब है, मेरे पास एक लैब है केमिस्ट्री का लैब, उस लैब में मेरे पास टोटल इतने एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स। अब कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा है, अगर समझो मैं आपको जाकर ऑप्शन लेकर आओ तब क्या करोगे आप, सारी ढूंढोगे पूरा एक से लेकर 118 तक, ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ढूंढोगे नहीं ना। इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँगा आपको जाकर ऑप्शन लेकर आओ तो ऑप्शन के केमिकल को आप ढूंढोगे नहीं पूरे केमिकल में जाकर ना लैब में, क्या करेंगे मालूम मैं उसको सही से और अरेंज से मतलब आपको ईजिली समझ या फिर ईजिली ना वो मिल जाना चाहिए आपको ढूंढना उसको। इसलिए हमने क्या बनाया, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया। सिंपल भाषा में क्या होगा, अगर आपको पता होगा मैं अगर बोलूँगा आपको मैंने क्या बोला ऑक्सीजन ना, ऑप्शन क्या है नॉन मेटल है, तो आपको ये समझाना है, मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और क्या होते हैं ना हमारे नोबल गैस कहाँ कहाँ पर है, आपको ये समझना है। सबसे पहले आपको समझना मालूम क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास नेचर में टोटल इतने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 118 है, जिसमें नेचुरल एलिमेंट कितने 94, बाकी को हम लोगों ने एक्जैक्ट करके बनाया मतलब कि जमीन में से खदान करके निकालते ना, ऐसे हमने निकाला हम लोगों ने। अब एक और चीज़ आपको समझना ये है कि इन एलिमेंट्स में अगर बात करूँगा पीरियोडिक टेबल की, मेरे पास टोटल चार ब्लॉक्स हैं। अब कौन कौन से चार ब्लॉक हैं देखो ध्यान से, एक मेरे पास एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इसको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। इस एफ ब्लॉक का नाम है लैक्टिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ब्लॉक, समझे, इसका नाम है हमारा एफ ब्लॉक। अब चार प्रकार के हमारे ब्लॉक है, अगर मैं बताऊँगा आपको ना कि एस ब्लॉक मान कितना ग्रुप कंटेन करता है, सिर्फ 1 और 2, 1 और 2 बस इतना ही। इनके पास सीरीज कितना होगा, ये सीरीज है ना हमारा कितना रहेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज रहेंगे इसके, तो 7 सीरीज होता है हमारे और इनके पास कितना ग्रुप है, 2 ग्रुप है, बरूबर एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट हमारे क्या मालूम है, मैक्सिमम सारे एलिमेंट्स ये हमारे मेटल्स हैं, समझे। एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या है, मेटल, बरूबर। मैक्सिमम खाली एक एलिमेंट है यहाँ पर दिखना आपको हाइड्रोजन, आपको सबसे पहले हाइड्रोजन दिखेगा, हाइड्रोजन ना तो मेटल ना तो नॉन मेटल, सॉरी हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल गैस है ना वो, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसको यहाँ रखा मालूम है क्यों, क्योंकि उसका एटमिक मास और एटमिक नंबर की वजह से, उसका एटमिक मास और एटमिक नंबर दोनों क्या है 1 ही है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को यहाँ रखा हुआ है, बरूबर। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दो अगर इसको हाइड्रोजन को, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या है, मेटल्स हैं। अगर आप बात करोगे ना तो डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में हमारे कुछ ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स ना जो अच्छे और रेयरली नहीं मिलते, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हमको रेयरली मिलना पड़ता है, ईजिली नहीं मिलते, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो कैसे ध्यान से देखो, इसका ग्रुप वन में कितना होता है, 3 से लेकर 12 तक का, ये भी आपका क्या बनता है मालूम है, ये वाला ग्रुप जो है आपका पी ब्लॉक, सॉरी आपका डी ब्लॉक, ये भी क्या है, मेटल। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया आपका एस ब्लॉक भी मेटल है, सिर्फ किसको छोड़कर, ये हाइड्रोजन को छोड़कर। सिंपल वही बताऊंगा आपको मैं, डी ब्लॉक में कितना ग्रुप आता है, ग्रुप 3 से 12 तक, जैसे यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो पूरा 12 ग्रुप्स आते हैं हमारे पास ना, और 7 सीरीज है। अब इसमें मालूम क्या होगा, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या होंगे, मैक्सिमम सबके सब मेटल्स हैं और हाई यील्डिंग मेटल्स, बरूबर, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सब आते हैं ना, इसी में आते हैं। अब अगर बात करूँगा पी ब्लॉक का, सबसे ज़्यादा समझने की बात मानूँ कहाँ आपको, आपका पी ब्लॉक सबसे ज़्यादा वेरायटी या वेरिएशंस आपके ब्लॉक्स में ये दिखाता है, पी ब्लॉक। अब क्यों वेरायटी दिखाता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेरिएशन इसी के पास है। अब जैसे कि आपको देखो ध्यान से, 13 से लेकर 18 तक इसका नंबर है ग्रुप का, एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले में, एकदम स्टार्टिंग का जो ग्रुप है उसका ना, उसमें मानूँ क्या दिखाया गया, यहाँ पे इसका है मेटलॉइड। अब मुझे बहुत लोग बनेगा क्या कि सर मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड का सिंपल मतलब क्या होगा, ऐसा कोई एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिक्स होकर बना हुआ है, जिसको कहते हैं मेटलॉइड। सिंपल भाषा अगर मैं बात करूँ कि हम लोग है ना अपने घरों में आयरन की जो थाली है हम लोग यूज़ नहीं करते खाने के लिए, क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या हो जाएगा, इजीली रस्टिंग, क्योंकि मेटल है आयरन पर रस्ट हो जाता है, रस्ट और क्या हो जाएगा आपका, आपका जो फूड क्या हो जाएगा, पॉइजनस या ख़राब हो जाएगा,
बराबर सिंपल। इसमें रस्टिंग होता है, अब मेटल का जो आपने आपने यूज़ किया हमारे घरों में रोज यूज़ करते हैं हम सबके सब, उसका नाम है स्टील। स्टील जो है ना स्टील और मेटल भी नहीं, नॉन मेटल भी नहीं, हो क्या हमारा वो है मेटलॉइड। हम लोग इसका यूज़ करते आपको देखा होगा ना कि स्टील में देखो जल्दी उसमें रस्टिंग नहीं होता, जल्दी उसमें जंग नहीं लगती ना। तो सिंपल भाषा में क्या हो गया मालूम है, आपके कुछ ऐसे कुछ तत्व, ऐसे कुछ एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने, उसको हम कहते हैं मालूम है क्या, मेटलॉइड। मालूम एक और चीज मालूम क्या आएगा, हाँ अब लास्ट में इधर इस तरफ मालूम क्या दिखेगा आपको, ये आपका दिखेगा ग्रुप मालूम है क्या, उसको कहते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है, जिससे मैक्सिमम एलिमेंट या तो गैस स्टेट में या फिर लिक्विड फॉर्म में। गैस में जैसे ना आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन फिर फ्लोरीन, जैसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास ना, जैसे नाइट्रोजन, ये सब के सब क्या आएंगे नॉन मेटल में। हमारे पास आया लास्ट में हमें क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास है नोबल गैस। एक ऐसे गैस ना जो हमें लास्ट में रहते हैं, यहाँ पे ग्रुप 18 हम लोग कहते हैं नोबल गैस। नोबल गैस में फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है इसका आपको पता होगा ना, कि इसमें से कुछ ऐसे गैसेस हैं जैसे ऑर्गन गैस इसमें मालूम, इसमें मिलता है, इसमें क्या होता है ग्रुप 18 में ना डीपी ब्लॉक में, ये वाली जो गैस है ना ये हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती, वो अर्थ के बाहर की गैस है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे ला के उसको रखा हुआ है बराबर। अब हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन करके रखा है ना, हमारे ये क्या है ग्रुप 18 में कौन सा आएगा नोबल गैस। नोबल गैस की एक और खासियत मालूम क्या है, वो स्टेबल गैस है। स्टेबल क्या होता है, जिसको आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं बहुत से, जैसे आपको पता होगा अगर आपने किया होगा शायद 9th और 10th में सोडियम क्लोराइड का हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन, सोडियम क्लोराइड को हम मिस करते हैं ना, तो आपका क्लोरीन क्या है नॉन मेटल और सोडियम क्या है आपका मेटल। तो लोग रहते हैं ना कि एटम्स को लोग कंबाइन करते हैं, सिंपल भाषा में क्या होगा मालूम है, ये वाले ज़्यादा मेटल क्या होंगे आपके सबके सब बेसिक में क्या रहेंगे, बैलेंस। ये बैलेंस है, यहाँ पे ये क्या दिखा, कोई जो रहेगा नॉन मेटल, ये क्या रहेगा आपका नॉन मेटल, हमेशा रहता है अनबैलेंस, उसको बैलेंस करना पड़ता है। और मेटल भी क्या रहेगा, मेटल आपका रहता है गिवर और ये क्या रहेगा रिसीवर, समझे। अब इन दोनों में मालूम क्या रहेगा, इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, मेटल हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, इसके बाद एक सेवन साइज होगा स्पेशल, हाँ होगा, इसके पास नहीं रहता, सिंपल भाषा में। अब दूसरा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ हमको मालूम होगा कि कॉपर देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बाद नॉन मेटल तो कंडक्टर नहीं है, लेकिन नहीं सर, नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन एक्सेप्ट वन, कौन सा ग्रेफाइट, आपने नाम सुना होगा, ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल में आता है, जिसको हम देखो यूज़ करते हैं पेंसिल में, आप पेंसिल में यूज़ करते हो ना, वो ग्रेफाइट नॉन मेटल है। फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग वो, फिर भी हम लोग आपको पता है बैटरी हम लोग उसी का यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का ही, समझे। अब एक और चीज़, मेटल के पास रस्टिंग की प्रॉपर्टी होती है, मेटल ख़राब होते जंग लगता है उसमें, हाँ लग जाता है, ईजी लगता है। आपको पता होगा कि क्या मेटल में डक्टिलिटी होती है, बहुत वजह से डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है मालूम है, लचीलापन, क्या मेटल हम लोग खींच खींच के बड़ा कर सकते हैं, हाँ ईजीली। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा मालूम है, गोल्ड। गोल्ड क्यों मेटल, आपको पता होगा ना कि एक ग्राम गोल्ड से ना कभी कम से कम ना 2 किलोमीटर तक का लंबा वायर बना सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा और पतला वायर से खींच कर हम बना सकते हैं, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, हमारा गोल्ड। तो आपको पता होगा ना कि मेटल खींच खींच हम लोग बड़ा कर सकते हैं इसको, आप लकड़ी को खींच के देखो कितना बड़े होंगे, नहीं होंगे ना, मतलब नॉर्मली क्या होता है इनमें डक्टिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी मतलब लचीलापन। अब एक बार मालूम क्या होता है, एक और इसमें इसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं सोनोरिटी। इससे सीधा मतलब क्या होता है, क्या मेटल के पास आवाज़ होता है, हाँ होता है, अगर सर आपके घर में ग्लास है उसको नीचे फेंको कितना जोर से आवाज़ गूंजेगा ना, इसमें क्या होता है, इसमें इसके बाद ध्वनि होती है। नॉन मेटल समझो, अगर कोई लकड़ी को उठाओ या फिर कोई भी चीज़ जो नॉन मेटल है उसका फेंको नीचे, ज़्यादा जोर से उसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, इसमें कंपन ज़्यादा नहीं होता ना, उसका वाइब्रेशन बहुत कम होता है, तो इसके पास सोनोरिटी भी नहीं होती, बराबर ना। अब एक और टॉपिक है मालूम क्या, क्या मेटल हीट रेजिस्टेंस होते हैं, क्या इसमें हीट पास होता है मेटल्स में, मैं बोलूँगा हाँ, पर यह है कि मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसका कम्पेयर टू नॉन मेटल, बराबर। अब क्या नॉन मेटल के मेल्टिंग, सॉरी नॉन मेटल हीट कैपेसिटी को वो करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, मैं बोलूँगा हाँ, इसमें हीट इजीली पास होती है, लेकिन इसमें क्या पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी, समझे। नॉन मेटल और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे जो आपको समझना है, समझे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी में आपको एक और चीज़ बनानी है क्या, कि इन दोनों में मानूँ एक और चीज़ रहेगा, मेटल कभी भी रहेगा ना, जो भी मेटल रहेंगे जितने आपके ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा गिवर, उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, हमेशा एक्स्ट्रा रहेंगे, वो क्या करेंगे अपने एक्स्ट्रा देंगे किसी ना किसी को, कोई भी उनके साथ है उसको देंगे, किसको देंगे लोग, नॉन मेटल वाले को, ये हमेशा क्या रहेंगे आपके गिवर रहेंगे, ऑलवेज भी गिवर, अपने एक इलेक्ट्रॉन को उनको देकर अपने आपको बैलेंस करते हैं, और ये करते हैं नॉन मेटल वाले क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेकर बैलेंस होते हैं अपने आप, ये क्या आपके रहेंगे, ये आपके रहेंगे रिसीवर, और ये क्या आपका होगा, ये होगा गिवर, समझे। रिसीवर और गिवर में फायदा मालूम क्या है, कि ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को देकर अपने आपको बैलेंस कर लेंगे, और ये लोग दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आपको बैलेंस कर लेंगे, ये इनका काम है, समझे।
अब एक और चीज आपको समझना मालूम है क्या, मेटलॉइड की कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आपको बताओ ना, हम लोग ज़्यादा स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, हम लोहे के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रस्टिंग किसमें तो लोहे पे होता है बराबर, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बनी हुई है लोहे की रस्टिंग ना। अब एक और चीज़ मालूम है हमको क्या समझना है, अब ये देखो ये मैंने आपको बता दिया ये और ये मेटल्स बनाते हैं बराबर, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हमारे पास ये हमारे क्या मालूम है ये है मेटलॉइड्स, और यहाँ पर हमारे क्या है ये हमारे पर है नॉन मेटल, और यहाँ पे क्या था हमारा नोबल का जिसमें ऑर्गन ज़ेनॉन लेप्टॉन ये सब इसमें आते हैं समझे, और हमारे पास ये क्या है ग्रुप पी एफ ब्लॉक, हमारे क्या है लैक्टिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के ग्रुप बराबर, इसमें मैक्सिमम कौन से एलिमेंट है, जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट जिसमें मानो कौन से आपके मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड देखो मैन मेड एलिमेंट क्या होता है मान लो, जैसे देखो आइंस्टीनियम हाँ रदरफोर्डियम ऐसा मान लो, ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स है ना जिनको जिसने डिस्कवर किया उसने अपना नाम डाल दिया, जैसे आपको बताओ ना कि ग्रेविटी की खोज किसने की न्यूटन ने, अब न्यूटन ने खोज किया ना कि ग्रेविटेशन लो, न्यूटन ने खोजा ना तो इसने अपने आपको बताओ ना, इसीलिए ग्रेविटी का यूनिट आपको बताया फोर्स का यूनिट क्या हो गया हमारा न्यूटन ना बराबर ना, तो आपको बताया फोर्स की खोज किसने की थी न्यूटन ने, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम के जो रहता ना कि फोर्स का जो आंसर निकलेंगे हम लोग लिखाएंगे लिखेंगे उसका यूनिट क्या आता है न्यूटन। अब न्यूटन की बात क्योंकि उन्होंने खोज किया था इसीलिए, इसीलिए जितने लोगों ने जितने भी साइंस लोगों ने इसे खोज किए वो लोगों ने हर जगह अपने अपने नाम डाल दिया उसके यूनिट के रूप में, ताकि वो एलिमेंट या फिर वो चीज़ें मेरे नाम से जानी जाए, सिंपल ये होता है। अब आलू एक और आपको समझना है पीरियोडिक टेबल, अगर आपको समझ में आएगा तो सिंपल भाषा में क्या होगा मालूम है कि अगर ये आपको समझ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको इजीली आएगा बराबर। चलो ठीक है नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया क्या मालूम है पीरियोडिक टेबल समझा आपको, इसके बाद आपको समझना मालूम है क्या समझा, अगर मैंने कोई आपको बताओ टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, इन 118 एलिमेंट में कुछ हमने मैंने आपको बताया 94 के आसपास क्या हमारे पास नेचुरल, बाकी जो बचे बचे हमारे क्या है मैन मेड एलिमेंट्स बराबर। आपका एलिमेंट मालूम समझना क्या है, समझो अगर मैं बोलूँगा ना कि कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट अगर है हमारे पास उस एलिमेंट का सबसे बड़ी खासियत मालूम क्या रहेगी, उनके यहाँ तीन चीज़ें होंगे, एक कहते हैं प्रोटॉन, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक क्या रहेगा हमारे पास न्यूट्रॉन। आपको समझना क्या है, आपका जो प्रोटॉन रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव, वो प्रोटॉन रहता है मालूम है आपका समझा एलिमेंट है एकदम एलिमेंट के कोर में एकदम अंदर सेंटर में हमारा क्या रहता है प्रोटॉन रहता है अंदर समझे। अब इसके थोड़ा सा बाहर क्या रहेगा मालूम है, इससे थोड़ा सा बाहर हमारा क्या रहता है ये यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर एकदम बाहर क्या रहेगा हमारा एकदम बाहर इस तरफ में, यहाँ क्या रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है माइनस नेगेटिव, ये क्या होता है हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा हमारा न्यूट्रल, इतना समझे ना आप। अब मालूम इसमें समझना मालूम है आपको क्या है कि एलिमेंट में आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको बताया कि जो मेटल होंगे वो क्या रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, और ये मालूम क्या अगर मैं बोलूँगा नॉन मेटल तो ये क्या रहेंगे हमारे ऑलवेज नेगेटिव बराबर, मतलब ये क्या रहेगा आपका, ये आपका है रिसीवर बराबर, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा गिवर समझे, तो ये हमेशा ये हमेशा मैंने आपको उल्टा बता दिया, ये हमारा है गिवर, ये आपको देगा समझे, ये एलिमेंट्स को देते हैं ना ये क्या करते हैं रिसीव करेंगे लोग, ये है रिसीवर समझे, ये हमेशा अपने एलिमेंट्स को देंगे किसको नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या करेगा हमेशा मेटल से अपने एलिमेंट को रिसीव करेगा समझे, तो ये रिसीवर है और ये गिवर है समझे इतना। अब एक बार जो आपको समझ मालूम है क्या, अगर हम बात करें एटम्स की, हमारे चार एटम्स होते हैं कौन कौन से मालूम, देखो के एल एम और एन। अब मालूम इसका काम आपको कहाँ पर आने वाला है, इसका काम आएगा आपको निकालते समय जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो आपको बताया मैंने बताया एक चीज़ कि हर एक एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स होगा ना कुछ कैपेसिटी की जरूरत होगी, अब कैपेसिटी क्या होता है कैपेसिटी मतलब उसकी कुछ क्षमता कुछ ना कुछ जरूर होगी ना, जैसा मैं बताऊँगा अगर के की क्षमता कितनी है 2 बराबर, फिर इसकी क्षमता कितनी है 2, इसकी क्षमता कितनी है 8, ये हमारे पास क्या है 18, और ये क्या है 32, ये हमारी कैपेसिटी है। ये कहाँ काम आएगा आपको याद रखना है, कहाँ काम आएगा मालूम है आपको समझाने के लिए कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझे। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाओ कि सर इलेक्ट्रॉन में मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे को रिसीवर और गिवर कैसे होते हैं, फिर कैसे करते हैं, तो आपको एक एग्जाम्पल समझना जो आपको मैं समझा रहा हूँ, चलो ध्यान से देखो, चलो देखो ध्यान से, मैंने ना आपको समझाने के लिए एक मैंने एग्जाम्पल ये रखा है, आपको ने बताया ना कि चार प्रकार के हमारे पास सेल्स हैं, इन सभी सेल्स के मालूम में क्या है हमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी इसकी है, इसकी है 2, ये है 18, ये है 8 और 32 इसकी कैपेसिटीज हैं। हमें आपको किस समझाने मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़ यही होगा हमेशा, अगर हमने देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा है NaCl, NaCl का नाम क्या आता है सोडियम क्लोराइड, मतलब इसको कहते हैं नमक, ये हम लोग सॉल्ट कहते हैं ना, यही आपका सॉल्ट है बराबर, इसका साइंटिफिक नेम। अब अगर मुझे इसको बोलेंगे इसको बैलेंस करना है, मैं आपको बताऊंगा ना, आपको पता सोडियम सोडियम हमारा पॉजिटिव क्योंकि मेटल है, और आपका क्या है ये नेगेटिव क्या रहेगा नॉन मेटल, क्योंकि क्लोरीन गैस है ना ये नॉन मेटल है। अब हम दोनों को इसको कंबाइन करके दिखाना है, हम लोग को नमक बनाना है, बैलेंस नमक बनाना है। अब कैसे बनेगा आपको पता है, देखो सोडियम का एटमिक मास कितना है, एटमिक नंबर कितना है, देखो ध्यान से 11 है, इसका नंबर कितना है 17,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन कितना होगा ध्यान से देखना है। आप देखो सोडियम 11 है ना, तो अगर आपको पता, अगर मुझे सोडियम का फर्स्ट सेल में डालना होगा, फर्स्ट सेल में तो कितना जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर 11 से 2 का कितना बचाएगा, 9 बचा रहेगा ना। आपको पता है मैंने सोडियम को पहले सेल में डाला, फर्स्ट सेल में, तो ये सेल फिल हो गया, पूरा भर गया ना। अब बचा गया सेकंड वाला, इसकी कैपेसिटी क्या 8, मेरे पास है कितना, मेरे पास अभी बचा है 9, तो 9 तो लेगा नहीं, ये कितना लेगा, सिर्फ 8 लेगा, तो बचा मेरे पास कितना 1, समझे। इसमें भी ऐसे होगा, देखो क्लोरीन के पास कितना टोटल नंबर 17, पहले में कितना जाएगा वो 2 जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास 15। आपको पता है अगर पहले में 2 गया तो फिल हो गया, अब सेकंड में 15 है, मेरे पास बचा 15 है, पर सेकंड की कैपेसिटी कितनी है 8 की सिर्फ, मतलब ये 15 जाएगा नहीं, कितना जाएगा सिर्फ 8 जाएगा। तो अगर 15 से मैं 8 डालूंगा इसमें 8, तो मेरे पास बचेगा कितना 7, समझे। तो क्या हो गया मालूम, ये भी अनबैलेंस है और ये भी अनबैलेंस है, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। सिंपल देखो आपको कैसे समझा रहा हूँ, ये देखो आपका क्या है सोडियम, ये आपका क्या है क्लोरीन, ये देखो ये आपका के वाला सेल, ये कौन सा सेल है, सॉरी ये है आपका के बाद क्या आता है एल, फिर आपका ये क्या है एम वाला सेल, बराबर एम सेल। इसमें भी क्या होगा ध्यान से देखना, ये देखो अगर मैं सोडियम ले रहा हूँ तो सोडियम का कौन सा ये सेल होगा के, बराबर ये क्या होगा एल, और ये हमारा हो गया एम, दोनों को हम बैलेंस करेंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट सेल में कितना 2 है, मैं डाल दिया, देखो मैंने 2 और 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और 2, क्लोरीन आ गया ना। अब देखो ध्यान से सेकंड में क्या 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कैसा होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हो गया 8 हो गया ना ये भी। अब थर्ड में कितना, इसमें इसके पास 1 है तो यहाँ पे आएगा 1, इसके पास कितना है 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7, समझे। मुझे इसमें एन की जरूरत नहीं है क्योंकि एन वाला कम जो है हमारे पास उसका है ही नहीं, और लास्ट में क्या होगा यही। अब ध्यान से देखना इसमें कैसे कर रहा हूँ मैं, अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है आपको, देखिए ये देखो लास्ट में कितना सर कितना एटम बचा हमारे पास, यहाँ पर 1 है ना इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं 7 है। अगर आपको क्या होगा मालूम है, आपको नहीं पता ना ये पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा ना, और मैंने एक और चीज़ बताया आपको, जो मेटल रहेगा वो क्या रहेगा गिवर, जो नॉन मेटल क्या रहेगा नॉन मेटल रिसीवर। तो क्या क्या मालूम है, इसने अपना एक एलिमेंट इसको दे दिया, इसको देखो ना इसके बाद ये अनपेयर था, अनपेयर के तो इसके देखो 7, देखो ये जोड़ी है यहाँ पे भी जोड़ी है, यहाँ पे भी जोड़ी, देखो ये बेचारा अकेला है, इसका कोई जोड़ी नहीं ना, तो हम लोग अपने अपनी एक जोड़ी निकाल के इसको दे रहे हैं, बराबर। तो देखो ना एक्चुअली में देखो क्या आपको बताओगा ना इतना NaCl, बराबर। तो Na क्या है, Na के पास दिख रहा है ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है ये वाले, क्या अगर इसको दे देगा ना तो क्या हो जाएगा ये बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे बनेगा देखो से आगे जाके, अगर ऐसा रहेगा हमारा, देखो ये सोडियम मेरा है पहले सेल में 2 है, सेकंड में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब थर्ड तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, थर्ड वाले सर आप थर्ड का क्यों नहीं बनाओगे, क्योंकि देखो ध्यान से क्यों नहीं बनाऊंगा, थर्ड में मेरे पास एक ही था, एक ही एलिमेंट था ना, सर एक ही इलेक्ट्रॉन था ना लास्ट में, तो वो भी मैंने इसको दे दिया, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, अब इसको बचा बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या बन गया मालूम है, ये था तो आपका सोडियम, सोडियम कितना था ये 2 8 और 1, पर बन गया क्या मालूम है सोडियम, आपका सोडियम बन गया 2 और 8, क्यों मालूम है बटा 2 और 8 बना, क्योंकि उसने 1 क्या कर दिया किसी और को दे दिया दान में, किसको दिया उसने क्लोरीन को दिया। तो ये क्या हो गया हमारा सोडियम बैलेंस, बराबर। अब मुझे किसको बैलेंस करना है क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखना है क्लोरीन कैसे बनेगा। आपको पता है पहले ये Cl, पहले सेल में कितना 2, तो 1 और 2 हो गया, सेकंड सेल में कितना 8, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 थे ना। अब यहाँ से ना थर्ड सेल में कितना था, थर्ड वाले में हमारे पास 7 था ना 7, तो देखो कैसे बनाऊंगा, देखो ये थर्ड वाला है 1 2 3 4 5 6 7 7 ही था ना, लेकिन सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया ना, तो क्या हो गया ये 8 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, आप देखो इसके बाद सारी की सारी जोड़ी बनी ना, देखो पेयर है जोड़ी में, ये भी पेयर है, ये भी पेयर और ये भी पेयर है ना, मतलब क्या हो गया बैलेंस हो गया हमारा। तो क्या लिखूंगा मैं ऐसा क्लोरीन, मेरा क्लोरीन था कितना, क्लोरीन था 2 8 और 7, अभी हो कितना गया क्लोरीन हमारा 2 8 और 8, मतलब क्या हो गया ये भी बैलेंस हो गया, समझे। इसको हम लोग कैसे, ये आपको सिखाता मालूम है क्या कि मेटल को नॉन मेटल को बैलेंस कैसे करना है, ये आपको ये सिखाता है। नेक्स्ट इसमें आपको क्या समझाऊंगा मालूम है, मैंने फिलहाल आपको मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल का मैंने खाली आपको बेसिक बताया, बेसिक बताने का मुझे आपको बताना मालूम क्या कि इसमें डोबेराने ट्रिक क्या होता है, न्यूलैंड के ऑक्टिव नियम वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ना मेंडेलियव के टेबल, मेंडेलियव के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे, मतलब उनकी कुछ कमियाँ थी, कुछ उन्होंने कुछ अपनी उपलब्धियाँ जो उन्होंने हासिल की थी, और कुछ उनकी कमियाँ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सुधारी गई। ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जैसे आपको पता न्यूलैंड, इनका मानना था पूरे अर्थ में सी बोसी 56 एलिमेंट्स है, 56 एलिमेंट थी और कुछ और एलिमेंट है ही नहीं, उन्होंने उसके आगे कुछ बनाया ही नहीं।
लेकिन जब आगे खोज हुई तो उनको पता चला, बहुत लोगों को पता चला, नहीं 56 नहीं और भी एलिमेंट्स हैं। तो हर साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स कहते हैं कुछ ना कुछ कमियां जरूर है और कुछ ना कुछ उपलब्धियां। तो इतने जो साइंटिस्ट हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट ईयर में पढ़ाना है, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल मैंने क्या कहवा लूँ, मैं आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।